गाइस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश होने वाली है जिसके बाद आप यही कहेंगे भाई मजा आया। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है पुरानी गाड़ियों में आगे पेडेस्ट्रियन कैचर होते थे जो रोड पर चल रहे व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाने पर कैच कर लेते थे ताकि उन्हें कोई हानि न पहुंचे, और अब तो बम्पर होते हैं ताकि सामने वाला बच ही ना पाए। लेकिन बाद में इलीगल होने के कारण इसे हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर टू, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि अंतरिक्ष से कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरती है तो अंतरिक्ष के कानून के अनुसार उस देश की सरकार द्वारा आपको 74 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा होने की संभावना बहुत बहुत ही कम है। फैक्ट नंबर थ्री, केन्या में पाए जाने वाली कांबा जनजाति के लोग अपने दांतों को रेती की मदद से नुकीला बनाया करते थे। ऐसा वो सुंदर देखने के लिए करते थे, जिसके दांत जितने ज्यादा नुकीले होते थे उसे उतना ही खूबसूरत माना जाता था। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप जानते हैं हमारी नसों में खून 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और पूरे दिन में लगभग 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फैक्ट नंबर फाइव, यूपी के बरेली में एक दरोगा ने बिजली विभाग के लाइनमैन की बाइक का चालान काट दिया, जिसके बाद लाइनमैन को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस चौकी की बिजली काट दी। बिजली न होने के कारण पुलिस कर्मियों को अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ी, जिसके बाद लाइनमैन ने ये कहा, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। फैक्ट नंबर सिक्स, जापान में टोको नाम के एक आदमी ने कुत्ता बनने के लिए 11 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसने 11 लाख रुपए खर्च करके ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार कराया जिसे पहनकर वो एकदम कुत्ता दिखता है, कोई भी उसे पहचान नहीं सकता कि ये इंसान है या कुत्ता। फैक्ट नंबर सेवन, भारत की कुल जनसंख्या में से सिर्फ 3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। अगर ये आंकड़ा ज्यादा होता तो भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत होता ये आप लोग सोच ही सकते हैं। फैक्ट नंबर एट, क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को कोका कोला बनाने की विधि ज्ञात है और इन दोनों को एक साथ यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है। फैक्ट नंबर नाइन, इस वीडियो में आप जो किताब देख रहे हैं यह दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिसका वजन 1420 किलोग्राम है और इस किताब के एक पेज को पलटने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपका दोस्त आपकी बिना मर्जी के वाईफाई गलत तरह से कनेक्ट करके नेट का उपयोग करता है तो आप उस पर आईटी एक्ट 66 के तहत केस कर सकते हैं। तो गाइस इस मामले में पीछे ना हटे, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।